Hi I'm Vidhi Pandya and subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now हम दोनों के कलर्स मैच होते हैं शायद <laughs> सोच विचार मैच होते हैं <laughs> obviously looks much better than i do in red <laughs> vidhi pandya big boss 15 की शेरनी कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल वेलकम थैंक यू मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत ज्यादा हैप्पी हूं uh, आप कैसे मैं हैप्पी इतना नहीं हूं क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद आई थी बिग बॉस सीजन <laughs> में आपके फैंस इतने हैप्पी नहीं हैं कि विधि को इतना जल्दी निकाल दिया तब भी hmm. आप खुश कैसे हैं व्हिच इज गुड उन्हीं के वजह से खुश हूँ बिकॉज ऑफकोर्स एविक्शन मुझे बहुत ही अनफेयर लगा इन सेंस के एविक्शन uh, का पावर मुझे लगता है कि सिर्फ ऑडियंस के हाथ में होना चाहिए ना कि कंटेस्टेंट्स के हाथ में अः uh, बी मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ बिकॉज जब मैं बाहर आई मुझे लगा मैं ढाई तीन हफ्ते रहकर आई हूँ मुझे क्या ही लोगों ने समझा होगा और प्यार मिला होगा लेकिन जब मैं बाहर आई अमाउंट ऑफ लव जो मुझे मिल रहा है वो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आई एम सो हैपी और मैंने आपके ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं देखे टू बी ऑनेट आई अडो यू एज अर्सन ऑफ सीनियर बिग बॉस इसी बात पर अपने फैंस के लिए बोलो अंगार अंगार फ्रॉम विद इन पापा बट तुम्हें क्या कारण लगता है विधि की इतने सारे हाउसमेट्स आपको टारगेट कर रहे थे

लो रैंक पे रखा था सो आई कंट्रीब्यूशन नहीं है मुझे भी एक्चुअली ये यकीन होने लगा, मच आप जानती हैं कि जब जय भानुशाली और प्रतीक के बीच में झगड़ा हुआ था आपने जय के साथ यू नो यू साइडेड विद जय Yes. जबकि बहुत से लोगों को लगा कि जय ने बहुत गंदी गाली बकी थी प्रतीक को बिल्कुल आपने क्यों जय का साइड लिया डिस्पाइट नोइंग कि ये गंदी गाली जय ने बकी प्रतीक को बिल्कुल गंदी गाली है और ये ये हमें एज ह्यूमंस नहीं बोलनी चाहिए अपने लाइफ में आई डू स्टैंड बाय दैट आई डू स्टिक बाय दैट और मैंने जैसे हमेशा बात भी की है इस बारे में मैंने उस वक्त नहीं की जब सब कुछ हो रहा था मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऑडियंस या कंटेस्टेंट्स जो भी घर में होते हैं वो किसी का बुरा बिहेवियर Uh, गाली से ऊपर कैसे हो जाता है मतलब उसका जो बिहेवियर था और उसका जो थॉट प्रोसेस था वो गाली से भी बदतर था तो हाउ कम हिज बिहेवियर इज साइडलाइन्ड बिकॉज़ समवन अब्यूज्ड हिम मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि उसकी जो हरकतें थी उसकी जो बातें थी वो इतनी गलत और इतनी गंदी थी कि वो गाली से भी भयंकर Uh, बुरी थी मेरे मेरे हिसाब से सो एवरीबडी जस्ट पोकिंग जय की तूने गाली दी तूने गाली दी तूने गाली दी ऑफकोर्स उसने गलत किया बट वॉट अबाउट वट ही डिड यू नो प्रतीक मतलब प्रतीक गेम के लिए कुछ भी कर सकता है कभी कभी लगता है मतलब मैन हार यू एंड ही कैन जस्ट ब्रेक द लैट ऑल्सो आई मीन बिकॉज इट्स अ गेम तो so, वो मुझे नहीं समझ आता वो वो लड़का कैसे फंक्शन करता है कपल ऑफ टाइम्स एंड सलमान सर ने भी उसे बहुत डांटा सलमान सर ने भी कहा कि अगर मेरी बहन या कोई होता तो देन आई वुड हैव इवन गिवन यू गाली एंड एक्चुअली टू हिम दैट इज नॉट टू बी अब दैट इज टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि गाली तो है गलत चीज लेकिन आप जो करते हैं वो गाली से भी भयंकर गलत है तो आप ये मत कीजिए यू नीड टू रिस्पेक्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स नीड टू रिस्पेक्ट टू गेन दैट रिस्पेक्ट अगर आप कुछ गलत करो तो फिर आप गाली खाओगे मतलब इट्स वेरी सिंपल फॉर मी सो

हो क्या रहा है बिकॉज uh, उसके इंटेंशन कुछ uh, गलत नहीं थे वो अपना गेम के हिसाब से ही वो लैच तोड़ना चाह रहा था सो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट वॉट इज हैपनिंग क्योंकि पानी का आवाज एक पॉइंट पे मैंने नल भी बंद कर दिया कि मैं सुनू की हो क्या रहा है but वो लिटरली दस बीस सेकेंड वो आवाज आई एंड देन इट स्टॉप देन इट डिड नॉट हैपन तो मुझे लगा शायद कोई कुछ कर रहा है एंड आई डोंट नो मैं बाहर निकली एंड मैन ए शौक फिश किसी ने लैच तोड़ दिया so so, like, like, है शार सो आई वेंट एंड आई वॉज सो आई वॉज लाइक वॉट वॉट इज है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एंड प्रतीक न्यू दैट आई गोइंग टू टेक द शार ही न्यू उसके आंखों के सामने उसके और निशांत के सामने में शार लेने गई उसके बावजूद ऐसी क्या गेम को जीत, जीतने की जिज्ञासा है आपके अंदर कि आपको वो वो चीज तभी करनी जब कोई नहाने जा रहा है इट्स नॉट अबाउट गर्ल और अ बॉय यू नो जब आप जा रही थी करण ने आपको एक सोविनय दिया वेन यू लीविंग आपने उनसे कहा कि यार किसी को अपनी दूसरी बीवी मत बनाना, <laughs> बीवी मत बनाना। <laughs> Now, और नंबर टू हम लोग को लग रहा है कि तेजस्वी और करण कुंद्रा के बीच में भी शायद एक लव अफेयर हो रहा है तो यहाँ पे क्या सीन है मैं मेरी पत्नी और वो क्या सो वन डे आई सो की इतना बड़ा टीवी है एंड आई जस्ट रैंडमली टोलिक्स एंड चिलीवी एक पागल है काम करते है, मांग भर देता हूँ फिर हम चिल करेंगे नेटफ्लिक्स एंड चिल तो so, ऐसे वो बस ऐसे टाइम पास था एंड उसने ऐसे ही उसको लगा था उसने ऐसे कर दिए तब से हमारा वो जोक शुरू हो गया कि आप मेरे पति हो मैं आपकी पत्नी उसने ऐसा कोई डेप्थ डेप्थ नहीं है हम हाँ मस्ती मजाक करते वो मस्ती मजाक बहुत एंड तक चल गया जब तक मैं निकली नहीं सो so, तेजस्वी और करण की बात है देन

बट uh, uh, so फिर जैसे जैसे वक्त बीता और जैसे जैसे मैंने uh, uh, मायशा से मेरी दोस्ती भरी uh, रियलाइज हुआ की यू नो हम सब बहुत स्टुपिड है to question somebody's love and feelings and i think we are nobody to to make a judgment or to even think that way uh, because maisha se mujhe pata chala ki wo bahut serious hai wo bahut pyar karti hai ishan se and i believe it's vice versa nishan bhat karan kundra shamita shetty aur umar riyas ko unhone backstab kiya what do you have to say to that i am uh, i'm upset i am upset because karan and umar are in that bracket i

बिकॉज़ वी वर ट्राइंग टू टू बी द शो शो कि पे कौन अच्छा है कौन बुरा है या कॉन्ट्रीब्यूशन या वडेवर मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया मैं मैं वरना लाइफ में विधि को कभी नहीं करता नॉमिनेट टू यू नो गेट एवेक्टेड फ्रॉम द शो तो तूने इतना गलत

uh, hyper kid, nishant, but mm, smart, very calculative. akasa singh, <laughs> uh, confused, afsana khan, entertaining, but very negative. At times. आपने ये भी कहा था कि उन्होंने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट का फायदा उठाया इन द शो लगता है की उठाती है कभी कभी क्यों लगता है बिकॉज वो रोज ठीक होती है जब लड़ाई भी होती है वो ठीक होती है आ, उनको मेडिसिन दी जाती है इज़ अ वेरी सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इज शी इज़ एंड नॉट फ्रॉम द शो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट पहले से चल रही है तो हम सब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उन्हें लेकर हमने सारे घर वालों ने मिलकर एक पैटर्न नोट किया कि जब पूरा घर उनके अगेंस्ट हो जाता है आ, या उनको समझाता है पहले तो कोई शमिता और विशाल के सिवा उन पर कोई चिल्लाता नहीं है पहले तो कोई नहीं चिल्लाता है उनके ऊपर सब उनको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं स्पेशली करण करण निशांत अक्कासा सब बहुत प्यार से रखते हैं उन्हें और बहुत प्यार से पर वो नहीं समझती उन, उनकी लैंग्वेज इतनी खराब हो जाती है वो जो बोलती हैं वो इतना इतना गंदा बोलती हैं एक पॉइंट के बाद किसी को मरने की बदुआ दे दी किसी के करियर पे क्वेश्चन क्या है ये सब एंड सब जब अगेंस्ट हो जाते हैं तब उनको एंगजाइटी हो जाता है और फिर वो दो घंटे में बिल्कुल ठीक इट्स अ वेरी सीरियस थिंगइटी अटैक आई नो पीपल इन माई लाइफ हु गो थ्रू दैट तो आप पहले तो इतना जल्दी घुस जाते हैं बिकॉज इट्स अटैक तो आपको आई बिलीव यू की आपको प्रॉब्लम हुई है बट देन यू जस्ट फाइन इन टेन मिनट्स इन फिफ्टीन मिनट्स ऑल एप्सोल्यूटलीकेज दैट पॉसिबल मैं किसी के मेंटल हेल्थ को क्वेश्चन नहीं करी। को कर रही मैं उनके आउटर एक्शंस को क्वेश्चन कर रही हूँ कि कभी कभी ना चाहते हुए भी मेरा मन ऐसे सोचने लगता है कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही यस आई आई स्टिल से यस कभी कभी ऐसा लगता है मुझे वो खुद ही हमें मजबूर कर देती है सोचने पर कि कहीं वो कुछ मिस यूज तो नहीं कर रही अपनी मेडिकल हेल्थ के वजह से बट आई रियली होप कि जो भी उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए और वो मेडिसिन पे बिल्कुल ना रहे और मैं हमेशा विश करता हूं कि विधि पांड्या आप खुश रहे आपके लाइफ में सब चीज ठीक रहे बिकॉज यू कम क्रॉस वेरी वेरी तो गिव मी अ पंप फॉर हु यू यू आर एंड स्टैंड फॉर वॉर विधि पांड्या बिग बॉस फिफ्टीन थैंक यू मोर पावर टू यू लेडी थैंक यू थैंक यू सो मच बाय